तो जो गाड़ियों के टायर हैं ना नए टायर लगाओ आपके छः महीने के अंदर ये टायर फट जाते हैं ये मसाज इसी ये टायर माफिया और ये इंतज़ामिया की कोई मिली भगत होगा जिसकी वजह से यह हमारे सरों पर थोपा हुआ है कोई बेहतर नहीं हो रहा है ये मज़ीद बुरा भला हम सब कह रहे हैं ये क्यों लगाया कहकर बड़ा मसला मसाइल में है कहना ही है तो जिस तरह वालों ने जो लगाया है ना छोटे वाले जो मतलब मंजूर शुदा हो जो मतलब काबिल अमल हो वो लगाया ये तो दु, दु, दुनिया में कहीं मतलब ये स्टेट मौजूद नहीं है ये, ये गवर्नमेंट का पैसा आया होगा हो इसलिए लगाया होगा अच्छा। हाँ। ये कैट आए हालांकि पूरे वर्ल्ड में पूरे पाकिस्तान में इसको हटाया जा रहा है लेकिन पाकिस्तान इधर स्कर्दू में क्यों लगाया अस्सलाम वालेकुम स्कर्दू में कॉलेज रोड से लेकर हमीदगढ़ तक रोड स्ट्स यानी किड आइज़ लगाए गए हैं इसके इस किड आइज से आवाम को क्या फ़ायदा होगा आवाम इससे कितना खुश है इसके बारे में हम आज आवाम से जानेंगे इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि दुनिया में पहली बार उन्नीस में इस किड आइज़ का इस्तेमाल किया गया ताकि रोड के सिमत का तयन किया जा सके कुछ टाइम गुजरने के बाद पूरी दुनिया के मुख्तलि ममालिक में इसका इस्तेमाल किया गया और उन्नीस में पहली बार आ, दुनिया में पूरी दुनिया भर में इस पर पाबंदी लगी जब इंग्लैंड में एक मोटरवे पर एक एक्सीडेंट हुआ जिसके बाद एक जुडिशल कमीशन इस पर बिठाया गया और उस तहक़ीक़ात के मुताबिक इस ये जो केट आईस है उसको उसका ज़िम्मेदार ठहराया गया जिसके बाद पूरी दुनिया में इस पर बैन लगा दी गई उसके बाद पाकिस्तान में ये चलता रहा 2017 हज़ार सत्रह में इस्लामाबाद में एक हाई प्रोफाइल एक शख्सियत का इस रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हुआ जिसके बाद उस पर भी कमीशन बिठाया गया और पार्लियामेंट्री कमेटी ने इस टट पर बेंड लगा दिए गए जिसके बाद पिशावर में ये चीज़ चलती रही और पेशावर में 2018 में एक रोड एक्सीडेंट हुआ जिसके बाद लोग अदालतों में चले गए और अदालती फैसले के बाद 2018 में ये जो रोड स्टड से ये जो केट आइट्स है एलुमिनियम के इसके पेशावर में भी बैंड लगा दिया गया और पेशावर हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि पूरी पिशावर से ये जो रोड स्टड से इसको उखाड़ा जाए लेकिन स्कर्दू में कॉलेज रोड से लेकर हमीदगढ़ तक मुख्तफ मकाम पर ये स्टड्स इस्तेमाल की जा रही है गुज्त साल इसको लगाया गया मुख्तलि अवामी हलकों ने भी इस पर एहत किया सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ बातें भी की गई और उसके बाद उसके बावजूद जो मुतल जो महकमे हैं उन्होंने इस पर काम जारी रखा आज हम आवाम से जानेंगे कि आवाम इस स्टट से कितने खुश हैं तो चलते हैं आवाम की जानब हम यहाँ पर एक शेरी से बात करेंगे असल वालेकुम जी भाई लगाए गए हैं इससे आप खुश हैं नहीं इससे हमारा खुशी की बात का आप कर रहे हैं यहाँ से यहाँ पे जो बाइक एक्सीडेंट होते हैं और जो कमज़ोर टायर जिन गाड़ियों में लगी उनके पंचर तो छोड़ो दूसरी गाड़ियों के साथ जो आपस में टक्कर लगता है यहाँ कर दो बाज़ार के जो रोड है ये छोटी है इसमें इसकी वजह इससे टायर बचाने के खातिर बाइक वालों का एक्सीडेंट इसी वजह से होता है और जो गाड़ियों के टायर है नए टायर लगाओ आपके छः महीने के अंदर ये टायर फट जाते हैं ये मसाज इसी ये टायर माफिया और ये इंतज़ामिया की कोई मिली भगत होगा

क्या कहते हैं आ, मैं समझता हूँ कि यह के आवाम के साथ है जाती है हमने इससे पहले भी इस पर आवाज़ बुलंद किया था लगता है इस कर्दुलटी वालों को किसी टायर कंपनी वालों ने मुफ्त दिया है ताकि कर्दुल के ग़रीब अवाम की जो है ना टायर ख़राब हो और हम, हर महीने में ट्रैट खरीदना पड़े मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गिल बलसान से अपील करता हूँ कमिश्नर बल्दान से मेरी गुजारिश है कि इन तमाम को यहाँ से उठाने के इंतज़ाम करें अगर ये लगाना ही है तो जिस तरह एफ डब्ल्यू एल वालों ने जो लगाया है ना छोटे वाले जो मतलब मंजूर शुदा हो जो मतलब काबिल अमल हो वो लगाए ये तो दु, दु, दुनिया में कहीं मतलब ये स्टेट मौजूद नहीं है लेकिन ये सुरफ़ दूसरा नाइन साफी है मैं एक बार फिर आपकी टीवी चैनल की से के साथी करता हूँ कि बलसा के साथ तजुर्बा करना छोड़ दे बहुत तजुर्बा हो गया मजदूर तजुर्बा करे बल्कि इनको हटा दिया जाए हर गाड़ी के लिए प्रॉब्लम हो रही है के लिए। के लिए भी। इसको उठाया जाए तो बेहतर होगी यहाँ पर टैक्सी ड्राइवरों और गाड़ी ड्राइवरों से हम बात करें वहीं पर हम चाहेंगे कि यहाँ पर जो पुलिस एहलकार है उनसे हम जरा बात करें कि ये जो स्ट लगे हैं इनसे इनके लिए इनके जो इंतजामी उमूर है उसमें किस हद तक इनके लिए सोचबंद वालेकुम तो भाई ये जो लगाए गए हैं इससे आपके लिए ट्रैफिक को कंट्रोल करने में आसानियाँ पैदा हो रही है या फिर मुश्किल पैदा हो रही हैं जी बिल्कुल इससे बहुत आसानी होती है गाड़ियाँ अपनी हदूद में चलती है तो इससे बहुत आसानी होती है ट्रैफिक की हाँ जी ये जो यहाँ पर लगे हुए हैं कारण आप क्या समझते कि इससे आवाम को कितना फायदा हो रहा है फ़ायदा तो कुछ भी नहीं हो रहा है उल्टा नुकसान हो रहा है गाड़ी के टायर ख़राब हो जाते हैं और एक तो रोड बिल्कुल चौड़ा नहीं है ये वहाँ जहाँ पर वहाँ पर लगाया जाता है जहाँ पर ये इतना किलोमीटर जो ब्रेकर होते हैं ऐसे ऐसी इस जगहों में लगाया जाते हो तो बीच रोड में जो लगाया कोई फ़ायदा नहीं है उसका नुकसान है अच्छा इससे यहाँ पर अमूमन लोगों का ये कहना है कि टायर ख़राब हो जाते हैं लेकिन इस तरह के ये जो की डायस है ये मुख्तलिफ़ शहरों पर मोटरवेज़ पर इस्लामाबाद आबाद वगैरह में या दीगर शहरों में लगे हुए वहाँ पर जो किसी भी गाड़ियों के टायर ख़राब नहीं होते यहाँ पर क्यों होते वहाँ पर टायर वहाँ इस इस तरफ तरीके से जो लगाए जाते हो वो कि इतने किलोमीटर की फासले पर दस किलोमीटर बीस किलोमीटर के फासले पर जहाँ ब्रेकर होते हैं यानी कि उस जगह पर ये तो रोड की बीस के सटे में लगा हुआ तो है एक तो रोड चौड़ा होना चाहिए वहाँ पर चालीस पचास फुट साठ साठ सत्तर सत्तर फुट का रोड है एक तो यहाँ रोड बंदे को चलने के लिए देखो रास्ता नहीं है यहाँ गाड़ियाँ खड़ा कर रखा हुआ और बीच में ये जो केडाई लगा हुआ है उसका नुकसान है कोई फायदा नहीं है इस पर ये जो केडाइज लगे हैं रोड पर इससे आप कितने खुश हैं इससे हम बिल्कुल खुश नहीं है सर इसकी वजह से हमारा सारा गाड़ियों का सत्यानाश हो रहा है और हर दफ़ा हमें गाड़ियों का काम करना पड़ता है ये जानबूझ के लगाया कि आवाम के लिए नुकसान के लिए लगाया ये चीज़ एक तो रोड ख़राब दूसरा गाड़ियों का सत्या नस्कर है सर इससे हम बिल्कुल भी खुश नहीं है यह मेरे ख्याल से लगता है कि, कि किसी टायर कंपनी ने इनको पैसे दिए होंगे लोगों के टायर ख़राब हो जाएँ तो नए चेंज करने पड़े बार बार इनको इनसे तो कोई भी खुश नहीं है मेरे ख्याल से कोई शहरी खुश नहीं है मेरे हिसाब से ख्वाह मशीद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाह साहब के के मख्तल शाहरा पर कैडाइज लगाया गया है आप क्या समझते हैं कि केड आइस क्यों लगाए इस आवाम के लिए क्या फ़ायदा यार सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं खुद परेशान हूँ कि यार यारदू जैसे इतना गुणजान आबादी जगह पर ये केड आइस हालांकि पूरे वर्ल्ड में पूरे पाकिस्तान में इसको हटाया जा रहा है लेकिन पाकिस्तान इधर रसकरदू में क्यों लगाया है ये करदू डेवलपमेंट अथॉरिटी किस सोच की वजह से लगाया है मैं खुद परेशान हूँ और इस वक्त तमाम जो गाड़ी हजरात हैं जिनके पास गाड़ियाँ हैं वो बड़े परेशान है कि इस वक्त ये जो लगाया है हालांकि यादगार से लेकर नीचे तकरीबन मेन जो हमारा शहर है उस पर लगाया है तो मेरा इंतज़ामिया से मैं मुतालबा करता हूँ कि यार इसको हटाया जाए ये इससे कोई मज़ा नहीं आ रहा है और तमाम लोग परेशान हैं इससे क्योंकि हमारे रोड तकरीबन बत्तीस तैंतीस फुट हमारा रोड है फिर हम डबल क्योंकि वन वे ट्रैफिक है ठीक है नहीं वन वे है ही नहीं है बल्कि सॉरी वन वे नहीं है टू वे ट्रैफिक है तो इस वजह से हमें बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है तो कजूर डेवलपमेंट अथार्टी से मेरा मुतालबा है कि हाँ महा मैं एहतजाज करता रहूँ और लोगों को और सड़कों पर निकालू इससे अच्छा है। आप खुद इसको निकाल के लेके जाए भाई जान ये जो कीड़ आइस लगाया है इससे आप कितना खुश हैं इससे तो हम बहुत तंग है भाई क्यों क्योंकि इससे गाड़ी का टेर की तबीयत तो होती है और अचानक जो है ना ये नुकसान देते हैं भाई साहब ये कीड़ आइस इससे आप कितने खुश हैं मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ ये खराब है गाड़ी एक्सीडेंट का खतरा है मोटरसाइकिल का गाड़ी का वो उछल के वो टायर खराब करते हैं तो आप क्या समझते हैं इसके लगाने की वजह क्या होसा? कोई फायदा नहीं है इसका तो क्यों लगाया इत, ये, ये गवर्नमेंट का पैसा आया होगा हो इसलिए लगाया होगा तो अभी आपका क्या मतलब ये नहीं होना चाहिए क्योंकि इतने बड़े शहरों में होते हैं हमारी तो गाड़ी एक के बगैर तो जगह ही नहीं है अभी दूसरा गाड़ी इसके ऊपर चढ़ने के बगैर गुंजाइश नहीं है ऐसा आप कैसे हैं आप आपका दुआ ये जो रोड के बीच में के डाइज लगाए हैं जी सर इससे आपके लिए क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है हमें कोई फ़ायदा नहीं है मज़ीद इस पर हमें नुकसान हो रही है हमारे गाड़ी का टेक भी सत्यानाश सैड करने में भी मसला और लोगों की चलना बैठने भी, भी तकलीफ बहुत तकलीफ है जी अच्छा हुकूमत ने तो ये लगाया है ताकि यहाँ पर जो ट्रैफिक का जो निज़ाम है उसको बेहतर किया जा सके क्या आप समझते हैं कि ये जो रोड स्टड्स हैं इससे ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर हो रहा है कोई बेहतर नहीं हो रहा है ये मज़ीद बुरा भला हम सब कह रहे हैं ये क्यों लगाया कहकर बड़ा मसला मसाइल में है आपका मुतालबा क्या है हमारा मुतालबा ये है बस ये किल फजूल लगाया है ये करने की चीज़ तो उतनी था बाहर ये पंजाब की चीज़ है यह हाँ रोड का कोई तोसी नहीं है एक गाड़ी जाती है तो उस पर भी किल लगा हमें फंसाया हुआ है तकलीफ है अभी ये जो कीड़ है इस बीच रोड के बीच में लगाए गए इससे आप कितना खुश हम बहुत नाराज़ है इससे अक्सर गाड़ियों का टेयर पंचर हो जाता है सुबह सुबह ठंडे ठंडे पे आ गया तो मोटरसाइकिल गाड़ियों का टेयर फट जाता है इसकी वजह से यहाँ पर एक्सीडेंट के जो खदेशात है अमूमन कुछ लोग बात कर रहे थे कि इस एक्सीडेंट को बहुत ज्यादा है मोटरसाइकिल वालों के लिए बहुत ज्यादा खतरा है ये हल्का सा काट किया तो स्लिप हो जाता है इसके ऊपर तो आप क्या समझते हैं कि इसके लगाने की वजह क्या हो सकती है इसके हो सकता है किसी बस ठेकेदार को नवाज़ा होगा यकीन और कुछ नहीं हो सकता इसकी वजह फिर भाई साहब ये रोड में जो केड लगाए हैं जो रोड लगाए हैं इसकी क्या वजह हो सकती है इसकी वजह पता नहीं है सर अच्छा इससे आप कितने खुश हैं खुश तो नहीं है ये गाड़ी का टेयर ज़्यादातर ख़राब होते हैं उसके अलावा और क्या क्या नुकसान आता है भाई ये गाड़ी का ज़्यादातर काम निकल निकल जाते हैं ना अच्छा तो अभी आप देखें तो इस्लामाबाद पिंडी वालों में भी इस तरह के जो कीड़ाई से वो लगे होते हैं तो यहाँ लगाने से यहाँ नुकसान वहाँ नुकसान क्यों नहीं होता इधर रोड बहुत तंग है ना उधर बहुत रोड तो बहुत बड़ा है ना इसकी वजह इस ये जो कीड़ाई सी इसमें भी कुछ फ़र्क आपको नज़र आता है जो वहाँ लगे और यहाँ लगे फ़र्क तो इतना नज़र नहीं आता है वहाँ तो रबड़ का लगा होता है और छोटे लगे होते हैं यहाँ पर तो अलमिनियम तो जी ये जो रोड के बीच में जो स्टड्स लगाए गए हैं इस करदू में हमीदगढ़ से लेकर यादगार चौक तक इसके इस आप कितना कुछ जी सर मेहरबानी आपने इस ऊपर इसके ऊपर रोचनी डाली ये बड़ी मुश्किल अभी ये बहुत मसाइल है ये लोगों के लिए ट्रैफिक के लिए बहुत मसाइल पैदा करते हैं क्योंकि ये जो ट्रैफिक एक्सीडेंट होने का बहुत ज़्यादा बड़ा खदशा होता है पता नहीं ये किस क्यों लगाया है क्योंकि एक तो वैसे भी रोड तंग है इसके अलावा अब इसके बाद अभी ये लगाया तो जो लोगों के लिए अभी ज़्यादा से मसाइली पैदा हो रहा है हाल ही में अभी दो दिन पहले मैंने ही इधर ही यहाँ पर कोई बंदे यहाँ पर ही एक्सीडेंट हो गया क्योंकि उसने ओवरटेक किया था क्योंकि गलती तो बाइक की ही थी वहाँ से ओवरटेक किया यानी कि यहाँ पर ये जो जो सेंटर के जो गाइड लगाए हुए हैं वहाँ से फिसल गए टायर वो फिर वजा इधर हादसा के शिकार होती है बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस प्रोग्राम में लोगों की गुफ्तु आपने सुनी कि केट एज की वजह से लोगों को किस हद तक मुश्किल का सामना है बारह हुकूमत से ये मुबा करता रहा है शुरू से जब यह केट आइज लग रही थी उस वक्त से लोग आवा लोग हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे थे कि इसको ना लगाया जाए बल्कि इसके जो मतबाद जो छोटे साइज़ के जो स्ट्स होते हैं या जो रबड़ के जो बने होते हैं रिफ्लेक्टर्स होते हैं वो लगाए जाए लेकिन उसके बावजूद भी ये जो स्टड्स है ये लगाई गई इसकी वजह से जो आवाम के लिए जो मुश्किल है उसका इजहार आज आवाम ने इस प्रोग्राम में आ, आ, कर दिया मावन आ, रजा कसीर के साथ सैद को इजात दीजिए ने कह जी ये जो रोड के बीच में जो स्टड्स लगाए गए हैं इस करदों में हमीदगढ़ से लेकर यादगार चौक तक इसके इस साहब कितना खुश जी सर मेहरबानी आपने इस ऊपर इसके ऊपर रोचनी डाली ये बड़ी मुश्किल अभी ये बहुत मसाइल है ये लोगों के लिए ट्रैफिक के लिए बहुत मसाइल पैदा करते हैं क्योंकि ये जो ट्रैफिक एक्सीडेंट होने का बहुत ज़्यादा बड़ा खर्चा होता है पता नहीं ये किस क्यों लगाया है क्योंकि एक तो वैसे भी रोड तंग है इसके अलावा अब इसके बाद अभी ये लगाया तो जो लोगों के लिए अभी ज़्यादा से मछली पैदा हो रहा है अमूमन आज लोग बात कर रहे थे कि इसकी वजह से बाइक का जो एक्सीडेंट है वो हो रहा है और गाड़ियों का जो टायर है वो ख़राब हो रहा है कभी आपने कुछ ऐसा देखा है कि इस जो ये जो आई है इसकी वजह से किसी का एक्सीडेंट होता है आपने देखा है जी जी हाल ही में अभी दो दिन पहले मैंने ही इधर ही यहाँ पे कोई लो बंदे यहाँ पे ही एक्सीडेंट हो गया क्योंकि उसने ओवरटेक किया था क्योंकि ग़लती तो बाइक की ही थी वहाँ से ओवरटेक किया यानी कि यहाँ पे ये यह जो जो सेंटर के जो गाइड लगाए हुआ है वहाँ से फिसल गए टायर वो ज़्यादातर इधर हादसा का शिकार होती है है बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस प्रोग्राम में लोगों की गुफ्तु आपने सुनी कि केट एज की वजह से लोगों को किस हद तक मुश्किल का सामना है बारह हुकूमत से ये मुबा करता रहा है शुरू से जब भी केट आइज लग रही थी उस वक्त से लोग आवाम लोग हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे थे कि इसको ना लगाया जाए बल्कि इसके जो मतबाद जो छोटे साइज़ के जो स्ट्स होते हैं या जो रबड़ के जो बने होते हैं रिफ्लेक्टर्स होते हैं वो लगाए जाए लेकिन उसके बावजूद भी ये जो स्ट्स है ये लगाई गई इसकी वजह से जो आवाम के लिए जो मुश्किल है उसका इजहार आज आवाम ने इस प्रोग्राम में आ, आ, कर दिया मावन खुशी रजा कसीर के साथ नज सित को इजाद दीजिए अल्लाह ने कह